सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई जारी। सीजेआई ने कहा कानून की वैधता पर नहीं सिर्फ प्रदर्शन पर होगी सुनवाई। सीजेआई ने कहा किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार, इस बात पर फैसला होगा कि नागरिकों को आने जाने की स्वतंत्रता हो। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार का पक्ष रख रहे हैं पी चिदम्बरम, किसान संगठन भी रखेंगे अपना पक्ष, केंद्र सरकार अदालत से मिले नोटिस का देगी जवाब। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सुझाव पर किसान नेता बटे, राकेश टिकैत ने कहा सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन दोआबा के नेता MS राय, नहीं मिला उन्हें कोई नोटिस, नोटिस मिलने पर सभी संगठन बैठकर करेंगे चर्चा। थोड़ी देर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की महापंचायत, गाजीपुर बॉर्डर पर कई खाप और किसान संगठन के नेता आगे की रणनीति पर करेंगे मंथन। किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू का बयान, कहा प्रधानमंत्री किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे तभी अगली बातचीत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा तीनों किसान कानूनों से एक राज्य में बेचैनी, पंजाब के किसानों को गुमराह करने की कोशिश, विपक्ष पर साधा निशाना। ग्वालियर में तोमर ने किसान सम्मेलन का किया संबोधन, किसान कानून के मुद्दे पर जल्द समाधान निकालने की उम्मीद जाहिर की। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे सिख समुदाय के बड़े संत बाबा राम सिंह ने खुदकुशी की, कोंडली बॉर्डर पर खुद को मारी गोली, तीसरी बार प्रवचन करने पहुंचे थे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। संत बाबा राम सिंह के पास से पंजाबी में लिखा सुसाइड नोट बरामद किया गया। सुसाइड नोट में कहा नहीं देखा जा रहा किसानों का दर्द, सरकार के जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बताया। संत राम सिंह की खुदकुशी की जांच में जुटी पानीपत पुलिस, डॉक्टरों के मुताबिक सिर में गोली लगने के कारण हुई मौत, अस्पताल में लाए जाने से पहले ही तोड़ा दम। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में संत बाबा राम सिंह को किया गया देर रात उनका पोस्टमार्टम, बड़ी संख्या में पहुंचे बाबा के समर्थक, पुलिस बड़ी संख्या में तैनात। संत बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी, एक दिन पहले आंदोलन के मुद्दे पर दोनों के बीच हुई थी मुलाकात। संत बाबा राम सिंह की खुदकुशी पर सियासत शुरू हुई, राहुल गांधी ने कहा क्रूरता की हद पार कर चुकी है मोदी सरकार, सरकार से जिद छोड़ने को कहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा किसानों की आवाज सुने मोदी सरकार, तीनों काले कानून वापस ले, अपना हक मांग रहे हैं किसान। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने मोदी सरकार से अपील की, कहा हालात और ना बिगड़ने दे सरकार, तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले चार निर्दलीय विधायक, किसानों के मुद्दे को जल्द हल करने की मांग की। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी, डीजे की धुन पर डांस करते नजर आए। मीडिया में खबर दिखाने का असर हुआ, बिहार सरकार ने समस्तीपुर के किसान की गोभी 10 रुपए प्रति किलो के रेट से खरीदी। 1 रुपए किलो गोभी बिकने से खफा होकर किसान अपनी ही फसल पर ट्रैक्टर चला रहा था, प्रशासन ने खरीदी बाकी की गोभी। भारत बांग्लादेश के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच संवाद, प्रधानमंत्री ने कहा बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक महत्वपूर्ण पिलर। पीएम मोदी ने कहा बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करना पहले दिन से ही मेरी प्राथमिकता, बोले दोनों देश कनेक्टिविटी पर दे रहे हैं जोर, भारत हमेशा बंग बंधु का करता है सम्मान। पीएम मोदी ने कहा कोरोना काल में भारत बांग्लादेश का अच्छा सहयोग रहा, वैक्सीन के काम में भी दोनों का सहयोग बना रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को विजय दिवस की शुभकामनाएं दी, कहा विजय दिवस दोनों देश के लिए खास। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने याद की 1971 की जंग, युद्ध में शहीद भारतीय जवानों को दी श्रद्धांजलि, शेख हसीना ने जंग के वक्त अपने परिवार पर बीते मुश्किल वक्त का जिक्र किया। शेख हसीना ने कहा कोरोना काल में दोनों देश और करीब आए, लोगों के बीच में भी आपसी संबंध मजबूत हुए, आने वाले वक्त में दुनिया की अर्थव्यवस्था में अहम रोल अदा करेगा भारत। 55 सालों के बाद सीमा पार दौड़ेगी रेलगाड़ी, पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। पीएम मोदी और शेख हसीना ने महात्मा गांधी और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, मुजीबुर रहमान की याद में डाक टिकट जारी किया गया। बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, शेख हसीना के नियोते को कबूल किया, 26 मार्च को ढाका में रहेंगे प्रधानमंत्री। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, 22 दिसंबर को वर्चुअल संबोधन। बंगाल में चुनाव से पहले सेंट्रल फोर्स की तैनाती को लेकर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, प्रताप बनर्जी, भारती घोष समेत कई नेता हुए शामिल। अमित शाह की रैली में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी, सुनील मंडल भी मिदनापुर में करेंगे बीजेपी ज्वाइन। शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल धनखड़ को खत लिखा, कहा मुझे फर्जी केसों में फंसाने की हो सकती है कोशिश, राज्यपाल से दखल देने की अपील की। विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद शुभेंदु अधिकारी पहुंचे आसनसोल, टीएमसी के बागी मेयर जितेंद्र तिवारी और ईस्ट बर्धमान के सांसद सुनीत मंडल के घर की बैठक। शुभेंदु अधिकारी के पहचानने के बाद आसनसोल में सांसद सुनील मंडल के घर के बाहर समर्थक जमा हुए, जय श्री राम के नारे लगे।
शुभेंदु अधिकारी पर टीएमसी का बड़ा हमला। सौगत राय ने शुभेंदु पर पार्टी से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कठिन वक्त में लालची लोग पार्टी छोड़ते हैं। पूछा शुभेंदु ने, दो साल पहले पार्टी क्यों नहीं छोड़ी। टीएमसी सांसद सौगत घोष ने कहा, 5-6 जिलों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे शुभेंदु अधिकारी। डिप्टी सीएम बनने की थी ख्वाहिश, पार्टी नहीं थी तैयार। बंगाल के पूर्व मंत्री मदन मित्रा का बयान सामने आया, कहा आखिर में शुभेंदु अधिकारी की ही होगी हार। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने शुभेंदु के फैसले का स्वागत किया, कहा ताश के पत्तों की तरह ढह रही है टीएमसी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी में एंट्री के संकेत दिए, कहा ममता से परेशान नेताओं का बीजेपी में स्वागत। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा, शुभेंदु अधिकारी अगर आते हैं तो बीजेपी में उनका स्वागत, पार्टी देगी पूरा सम्मान। ममता बनर्जी ने टीएमसी छोड़ रहे नेताओं पर हमला बोला, कूचबिहार की रैली में अवसरवादी और डरपोक करार दिया, कहा टीएमसी में नहीं चाहिए बीजेपी से डरने वाले नेता। ममता ने कहा, पैसे के बल पर टीएमसी नेताओं को तोड़ रही है बीजेपी, जिनको टिकट कटने का डर वही बीजेपी में हो रहे हैं शामिल। ओवैसी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता पहले अपना घर संभालें, ओवैसी को कोई खरीद नहीं सकता। ओवैसी ने कहा, मुस्लिम वोटर आपकी जागीर नहीं आत्ममंथन की सलाह दी, क्यों पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं नेता। मुंबई मेट्रो कार शेड के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांजूर मार्ग में शेड प्रोजेक्ट में काम फिलहाल जो हो रहा था उस पर लगाई रोक। मेट्रो शेड प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट के फैसले पर बोले पूर्व सीएम फडणवीस, कहा इनकार छोड़कर मुंबई के लोगों का भला सोचिए शिवसेना। चुनाव आयोग ने दिया 3 आईपीएस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को दिया निर्देश। 2019 में लोकसभा चुनाव के समय काले धन के कथित इस्तेमाल का हुआ खुलासा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन पर हाईकोर्ट सख्त हुआ, कहा प्रदर्शन का अधिकार संवैधानिक लेकिन रिहायशी इलाकों में प्रदर्शन सही नहीं। अयोध्या में मस्जिद बनाने को लेकर 19 दिसंबर को होगी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की अगली बैठक। ट्रस्ट का 26 जनवरी या 15 अगस्त को मस्जिद की नींव रखने का फैसला। 19 दिसंबर को ट्रस्ट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने रखी जाएगी मस्जिद की डिजाइन। मस्जिद का नाम धनीपुर मस्जिद किया गया तय, कहीं भी बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं होगा। बीएसएफ ने नाकाम की घुसपैठ की साजिश, शटारी बॉर्डर पर 2 घुसपैठिए ढेर किए। घुसपैठियों के पास एक AK-56 मैग्नम राइफल और मैगजीन भी बरामद की गई। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर में घायल आतंकी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजेपी के पूर्व सांसद सत्यमेव सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हुआ। हार्ट अटैक के बाद तबीयत बिगड़ी थी। कुछ दिन पहले पत्नी की कोरोना के कारण मौत हुई। देश में कोरोना के 24,000 नए मामले सामने आए। एक दिन में 355 लोगों ने दम तोड़ा। देश में अब तक 15,78,00,000 से ज्यादा कोरोना के मामलों की जांच हुई। बुधवार को करीब 11,59,000 लोगों की टेस्टिंग। दिल्ली में कोरोना केस में कमी आना लगातार जारी। एक दिन में 1,543 नए मामले सामने आए। 32 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, मई के बाद पहली बार पॉजिटिविटी रेट 2% से कम। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,304 नए मामले सामने आए। 95 और मरीजों की मौत हुई। यूपी में कोरोना के 1,227 नए मामले सामने आए। एक दिन में 15 लोगों ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियां शुरू हुई। परिवार कल्याण विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी की रद्द। यूपी में अगले हफ्ते शुरू होगा कोरोना टीकाकरण प्रशिक्षण। स्वास्थ्य मंत्री ने लिया वैक्सीन वेयरहाउस का जायजा। तमिलनाडु में कोरोना के 1,181 नए मामले सामने आए। 12 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 478 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 3 लोगों ने दम तोड़ा। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना के 5 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या 4,085 पहुंची। अभी 171 एक्टिव केस। अंडमान निकोबार में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। अब महज 91 एक्टिव केस। दुनिया में कोरोना के 7,39,62,000 से ज्यादा मामले। अब तक 16,45,000 मरीजों की मौत। नीदरलैंड में 5 हफ्ते के लॉकडाउन का असर दिखा। खाली नजर आई एम्स्टरडैम की सड़कें। लंदन के आसपास के शहरों में पब और रेस्टोरेंट पर लगी पाबंदी। पाबंदियां लागू होने से पहले भारी भीड़। अमेरिका में हेल्थ वर्कर्स को फाइजर का टीका लगाया जाना जारी। फ्लोरिडा के नर्सिंग होम में करीब 90 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,00,000 के पार पहुंची। वॉशिंगटन नेशनल कैथेड्रल में बेल बजाकर लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। क्रिसमस के से पहले पोप फ्रांसिस का बड़ा बयान सामने आया। कहा कोरोना वायरस जीने के तरीके का शुद्धिकरण करेगा। रूस में अब तक 1,50,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 का टीका लगाया गया। पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण हुआ। यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131वें स्थान पर भारत। 9वें पहले नंबर पर पाकिस्तान का 154वां स्थान। कोरोना काल में शिमला में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन। छात्र अभिभावक मंच ने रेगुलेटरी कमीशन बनाने की मांग की। कई तरह के चार्जेस पर रोक लगाने की भी अपील की।
बंगलुरु महिला पुलिस अधिकारी ने की आत्महत्या। सीआईडी में डीएसपी के पद पर तैनात थी लक्ष्मी, एक परिचित के घर में फंदा लगाकर खुदकुशी की, जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में कई मामलों में फरार चल रहे छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी की फुटेज की मदद से पकड़ा गया आरोपी। दिल्ली में विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाने वाले 54 लोग गिरफ्तार हुए। साइबर सेल ने मोतीनगर इलाके में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। करनाल के गगसीना गांव में दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद, चली गोलियां, एक पक्ष के 3 लोगों की हत्या, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, आरोपी फरार। पटना में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या मामले ने तूल पकड़ा। परिजनों ने टायर जलाकर आगजनी की। हत्या के आरोपियों को फांसी देने की मांग। पुणे में महिला ट्रैफिक कांस्टेबल का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाली स्कूटी सवार लड़कियों से रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुई महिला, कमिश्नर ने दिए मामले में जांच के आदेश। भरतपुर के सराफा बाजार में अवैध रूप से निर्माणाधीन इमारत की 3री मंजिल भरभराकर गिरी, पिलर गिरा, हादसे में एक युवक घायल, पुलिस ने मामला दर्ज किया। दरभंगा में ज्वेलरी शोरूम में घुसे थे करीब 8 बदमाश, 14 किलो सोना, 2 लाख कैश लूटकर हुए फरार। लेह के खारदुंगला में ब्लू शीप तस्करी का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने एक आरोपी को मामले में गिरफ्तार किया। भुवनेश्वर में शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं गरीब आदिवासी बच्चे, एक संस्थान दे रही है शिक्षण। मुंबई के स्लम इलाके में 6 स्टूडेंट्स को मिली नीट एंट्रेंस परीक्षा में सफलता। एक छात्र ने कहा, कोविड काल में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए परीक्षा पास करने का लिया था संकल्प। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कल्याण सेक्शन के बीच एसी लोकल ट्रेन की सेवा आज से शुरू। रूट पर दौड़ेंगी 10 एसी लोकल ट्रेन, मुंबई कर का सफर होगा आसान। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी, कई इलाकों में घना कोहरा। ठंड से बचने के अलावा लोग यहां अलाव का सहारा लेते आए नजर। राजस्थान के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड, तापमान लुढ़ककर 1.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। सूरत में तापी नदी के आसपास सफाई का कार्य जारी, नगर निगम के कमिश्नर ने 115 मिलियन लीटर साफ पानी सप्लाई का किया दावा, बोले पानी के रिसाइकलिंग से 140 करोड़ आता है रेवेन्यू। उत्तर भारत में जारी रहेगा सर्दी का सितम, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड का अनुमान जताया। अमृतसर में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। लखनऊ में पेट्रोल पंप के पास खड़ी यूपी रोडवेज की 3 बसों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारण फिलहाल साफ नहीं।